भवानीगढ़ के दर्जनों गांवों में लोक निर्माण व शिक्षा मंत्री विजयेंद्र सिंगला रोजाना ही विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री विजयेंद्र सिंगला ने कहा कि इलाके में सड़कों का निर्माण और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए स्कूलों का निर्माण और गांव में छपड़ों की सफाई के काम में पूरी तरह से तेजी लाई गई है। इसके अलावा सेहत विभाग पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि लोगों को समय पर सेहत सुविधाएं मिल सकें। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जब तक कोरोना को पूरी तरह से नकेल नहीं डाली जाती उस वक्त तक स्कूल खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फील्ड प्राज दे नाल जुड़े हुए जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्होंने देखने वास्ते ते नाल जिहड़ी सड़क प्राज तो लैके नूरपुरा पिंड की जी नवी मंजूर हुई है 18 फुटी वह काम शुरू करने वास्ते असी हाज़र होए सी। 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के उपर 2.25 करोड़ रुपया लगना है, 10 फुट तो 18 फुट होनी है और इस पिंड प्राज की जी फिरनी है तो उरे पीर बाबा जी दे जी समाधि राह लगना सी उहदे वास्ते जी सड़क बननी है या उत्थे गुग्गा माड़ी नूं जी सड़क लगनी है उहदे वास्ते असी हाज़र होए सी। प्राज पिंड दे स्कूल विच वड्डे पद्धर दा काम होया और इस दे नाल नाल होर जिहड़ियां गल्लां पंचायत वल्लों गलियां नूं अपग्रेड करन बारे कीती गई है वो सारिया गल्लां नूं देखते हुए अज असी पिंड भराज का प्रोग्राम रखा से और इस तरजीह के उपर बाकी पिंडां दा दौरा रखे। लगातार साढ़े संगरूर के भवानीगढ़ ब्लाक के छपड़ां की सफाई का काम, स्कूलों के उसारी का काम, सड़कों का काम, सेहत सेवावां चंगे तरीके लोगों तक पहुँचाने का काम लगातार चल रहा। साड़ी कोई सोच है कि असी अपने हल्के दे लोगों को हर जिहड़ी जरूरतमंद सहूलत है वो बच्चों को पहुँचा सकीए। स्कूलों के नाल बच्चे जिहड़े प्राइमरी स्कूलों च मिडल स्कूलों सरकारी स्कूलों पढ़ते हैं गरीब परिवारों के उन्होंने चंगी मुढ़ली सिक्ख्या मिल सके उसनों फोकस रखते हुए असी कारगुजारी चलाई हुई है और उस लड़ी के तहत अज भराज पिंड का प्रोग्राम से तां उरे हाजिर हो। सर एक कोरोना की महामारी है सारे हिंदुस्तान ही नहीं है पूरे वर्ल्ड के विच है, हुण तां कई सूबे पहला बन हटे तो आप 4 महीने तो चंगे तरीके सोशल डिस्टेंसिंग से WHO की गाइडलाइनस मेनटेन किया या संभालिया कि आप बचे रहे तो हूँ अपने पीक हो रहे हैं सारा इस करके हर रोज़ सरकार वालों अपील की जाती है कि भाई अपने अपने आप को बचा के रखो क्योंकि कोरोना पीक से जा रहे हैं। तो उस तरजीह के तहत भारत सरकार वालों भी जी गाइडलाइन है पहला भी अभी मनी है तो जी कोई होर उन्होंने वालों गाइडलाइन आ रही है वी आर ऑल रेडी टू दे अभी जान स्कूलों की सुन चाहिए भी सितंबर खुल रहे हैं हाले कोई प्रोग्राम हर तरह तुम एक पास करोना का सवाल पूछ रहे हो कि करोना इन्ना बढ़ रहा दूसरी पास आप ही स्कूल पूछ रहे हो। पंजाब के करोना ठल नहीं पाऊगी उदों तक कोई स्कूल नहीं खोलिया जाऊगा क्योंकि सरकार वालों माननीय मुख्यमंत्री वालों बच्चों की सेहत ते सुरक्षा सब तो इंपोर्टेंट फैक्टर है। इस करके जे कोई बंदा कहिंदा कि स्कूल सितंबर खुल रहे हैं अज आप 9 सितंबर तक आ गए तो अज 7 सितंबर तक आप आ गए तो आप किवें स्कूल खोल सकते दसो अभी थोड़े 12वीं वाले बच्चों को तो बंडने शुरू करते।